और आइए अब सुनते हैं वडनगर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव। मंच पर विराजमान गुजरात ना मुख्यमंत्री श्रीमान विजय भाई रूपाणी, केंद्र सरकार का हमारा साथी आरोग्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, नितिन भाई पटेल, आनंदी भाई, विधानसभा अध्यक्ष रमन भाई, केंद्र सरकार में मंत्री भाई श्री हरिभाई चौधरी, केंद्र सरकार में मंत्री भाई श्री हरिभाई चौधरी, राज्य में मंत्री श्री दिलीप कुमार ठाकुर, शंकरभाई चौधरी, भरत सिंह डाभी, पूर्णेश मोदी, सांसद जयश्रीबेन, अहीना धारासभ्य भाई श्री नारायण काका, भाई श्री रजनीकांत पटेल, भाई श्री ऋषिकेश पटेल, अने विशाल संख्या में पधारेला सौ वडीलो, माताओ बहनों अने युवान मित्रों, एक बार भारत की सेना के अध्यक्ष जनरल करियप्पा कर्नाटक के अपने गांव में गए थे और तब उन्होंने एक भाषण किया था। उन्होंने कहा था, क्योंकि वो सेना के मुखिया थे, दुनिया में जहां जाते थे उनका भव्य स्वागत सम्मान होता था, लाखों फौजी उनको सलाम करते थे, लेकिन उन्होंने जब अपने गांव गए तो जनरल करियप्पा ने कहा था कि दुनिया में मुझे बहुत स्वागत और सम्मान मिला, लाखों सिपाहियों ने मुझे सलाम की है, लेकिन अपने गांव में अपनों के बीच में जब स्वागत सम्मान होता है तो उसकी अनुभूति कुछ और होती है, उसका आनंद कुछ और है। जिस प्रकार से इस पूरे इलाके के लोगों ने, विशेष करके वडनगर के लोगों ने मुझे अपार प्यार से भिगो दिया है, मैं आज सर झुका करके आपको नमन करता हूं, इस धरती को नमन करता हूं। सार्वजनिक जीवन में इतने वर्षों के बावजूद भी इतना प्यार, इतना दुलार, ये अपने आप में हृदय को छूने वाली घटना है। आज मैं जो कुछ भी हूं इसी मिट्टी के संस्कारों के कारण है। इसी मिट्टी में खेला हूं, आंखी के बीच में पला बड़ा हूं। आज जब मैं हाटकेश्वर महादेव के दर्शन के लिए जा रहा था, रास्ते भर में पूरा नगर आशीर्वाद देने के लिए उमड़ पड़ा था, हर आयु के लोग मैं दर्शन कर रहा था, बहुत परिचित चेहरे मेरे सामने से गुजर होते थे, बचपन की यादें ताजा हो जाती थी, बहुत पुराने दोस्तों को देखा, अब दांत भी नहीं बचे हैं, कुछ पुराने दोस्तों को देखा,
हाथ में लकड़ी लेकर के चल रहे हैं, उन सारी पुरानी स्मृतियों को आज मैंने भली भांति देखा, हृदय को एक गहरा आनंद हुआ और आज मुझे आज से 15-16 साल पहले जो ऊर्जा इस मिट्टी से मिलती थी आज दोबारा वैसी ही नई ऊर्जा लेकर के मैं आज यहां से जा रहा हूं। ये आपके आशीर्वाद की बदौलत है कि नई ऊर्जा लेकर के मैं जा रहा हूं और देश के लिए पहले से ज्यादा मेहनत करूंगा। पहले से ज्यादा पुरुषार्थ करूंगा और आपने मुझे जो सिखाया है, आपने मुझे जो समझाया है, वो दिन ब दिन सर ऊंचा करता रहे वैसे प्रयासों में कोई कमी नहीं रखूंगा, ये मैं मेरे नगरवासियों को विश्वास दिलाता हूं। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने जब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से कहा कि कुछ खुदाई करनी चाहिए मेरे गांव में, कुछ काम शुरू हुआ। गांव में भी कभी किसी लोगों की नाराजी रहती थी किसी की कि क्या खुदाई चल रही है, क्या निकाल रहा है मोदी, गड्ढे कर रहा है। लेकिन लगातार पिछले कुछ वर्षों से भारत सरकार का आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, गुजरात सरकार का आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ये लगातार काम करते रहे और आपको खुशी होगी ये पुरातत्व विभाग ने जो वडनगर नगरी के जमीन के भीतर से जो खोज करके निकाला है आज न सिर्फ हिंदुस्तान का पूरे विश्व के पुरातत्वविदों के आकर्षण का वो कारण बना है। अभी दो दिन चार दिन पहले मैं फ्रंटलाइन मैगजीन देख रहा था, उस फ्रंटलाइन मैगजीन ने वडनगर की इस पुरातत्व विरासत के विषय में एक विस्तार से आलेखन किया हुआ है, चीजें लिखी है। और पुरातत्व विभाग का कहना है हिंदुस्तान में वडनगर इकलौता ऐसा नगर है कि जो 2500 साल से 2500 वर्षों से लगातार एक जीवित नगर रहा है, कभी न कभी लोग यहां रहे हैं। यह नगर किसी भी कालखंड में मृतपाय नहीं हुआ और मैंने खुदाई इसलिए करवाई थी कि ह्यूएनसन जो चाइनीज फिलोसोफर यहां आए थे, जब उन्होंने भारत भ्रमण किया तो वो वडनगर में लंबे अरसे तक रुके थे और ह्यूएनसन ने लिखा था कि वडनगर में सैकड़ों साल पहले भगवान बुद्ध के भिक्षुओं की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था थी और यहां 10,000 से ज्यादा बौद्ध भिक्षु का शिक्षा कार्यक्रम होता था। चीन के राष्ट्रपति जब यहां आए थे, गुजरात में उनका स्वागत हुआ था, उन्होंने मुझे कहा था कि मेरा और तुम्हारा एक विशेष नाता है। और जब मैं चीन गया तो चीन के राष्ट्रपति आमतौर पर बीजिंग में ही किसी देश का मुखिया आता है तो स्वागत सम्मान होता है, मुझे वो अपने गांव ले गए थे सियान में और वो पूरा समय मेरे साथ रहे थे। और उन्होंने मुझे बताया कि ह्यूएनसन जो चीनी फिलोसोफर था जो वडनगर में रुका था, लंबे अरसे तक उसने अध्ययन किया था और हिंदुस्तान से जब वापस लौटा
तो ह्यूएन संघ मेरे गांव में आकर के रुका था, यानी हिंदुस्तान में वो मोदी के गांव में रुका और चीन में चीन के राष्ट्रपति शी के गांव के अंदर रुका था। और मुझे वो ह्यूएन संघ ने जो बौद्ध धर्म का बड़ा तीर्थ क्षेत्र बनाया है उसे देखने के लिए अपने साथ ले गए, और ह्यूएन संघ के हाथ से लिखी हुई नोट्स उन्होंने मुझे दिखाई और खुद ने मुझे पढ़ करके सुनाया कि देखो ये तुम्हारा गांव वडनगर जो पहले आनंदपुर से जाना जाता था ये इसका वर्णन ये ह्यूएन संघ ने किया है, और पूरा वर्णन उन्होंने मुझे पढ़ करके सुनाया और इंटरप्रेटर ने उसका ट्रांसलेशन करके मुझे समझाया। ये नाता ऐतिहासिक विरासत के साथ इस धरती का है। अनुमान तो था कि वडनगर का पुराना नाम आनंदपुर था, लेकिन सबूत उपलब्ध नहीं होते थे। ये जो पुरातत्व विभाग की खुदाई हुई उससे मिलाया है कि हां यही वडनगर 2500 साल पहले आनंदपुर के रूप में जाना जाता था। किसी भी वडनगरवासी के लिए ये बहुत बड़े गर्व की बात है। आने वाले दिनों में ये यात्रा के लिए टूरिज्म के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बनेगा। तारंगा में जैनों के अवशेष हैं, बुद्ध के अवशेष हैं, देवनी मोरी में है, वडनगर में है, ये सारी चीजें। वरना लोगों की कल्पना ये थी कि बुद्ध सिर्फ पूर्वी हिंदुस्तान में थे, लेकिन ये दिखाता है कि भगवान बुद्ध की प्रेजेंस पश्चिम के हिंदुस्तान में भी रहा करती थी, उनका प्रभाव यहां पर भी हुआ करता था। तो हम सब गर्व करते हैं कि ऐसी हमारी इस नगरी के लिए आज मुझे यहां आरोग्य संबंधित कई प्रकल्पों का लोकार्पण करने का, उद्घाटन करने का अवसर मिला है, और भी कई सारे प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने का सौभाग्य मिला है, लोकार्पण करने का मौका मिला है। लेकिन एक विशेष कार्यक्रम जिसका हमारे आरोग्य मंत्री नड्डा जी वर्णन कर रहे थे, इंद्रधनुष। हमारे देश में टीकाकरण 1985 से चल रहा है, लेकिन वह सरकारी तौर पर चलता था। हमने इसको जन आंदोलन में परिवर्तित करने का प्रयास किया है और फिर एक बार इंद्रधनुष मूवमेंट को चलाया है। आने वाले 4 महीने तक हर महीने 7 दिन ये टीकाकरण का मूवमेंट चलेगा, और जो बालक टीकाकरण से वंचित रह गए हैं उनको खोज खोज करके टीकाकरण करवाया जाएगा, क्योंकि किसी घर के अंदर बालक अपाहिज न हो, गंभीर बीमारी का शिकार न हो और गरीब मां बाप को बहुत बड़े आर्थिक बोझ का संकट बनना न पड़े, इसके लिए इतना बड़ा अभियान चलाया। मैं आज वडनगर की धरती से देश के सभी लोगों से आह्वान करता हूं, ये इंद्रधनुष कार्यक्रम को आप अपना कार्यक्रम बनाइए। कभी रक्तदान करने से जितना आपको संतोष मिलता है, कभी चक्षुदान करने से आपको जितना संतोष मिलता है, कबीर धन दौलत का दान करने से जितना पुण्य कमाते हैं, कभी श्रमदान कर करके पुण्य कमाते हैं, उससे भी ज्यादा इंद्रधनुष के टीकाकरण के लिए अगर बच्चों को खोज करके गरीब माँ को समझा करके आप टीकाकरण करवा दोगे, वो बच्चा बड़ा होगा अगर स्वस्थ रहेगा तो उसके आशीर्वाद आपके खाते में जमा होंगे। और इसलिए एनसीसी के कैडेट हो, स्कूल कॉलेज हो, एनएसएस के कैडेट्स हो, समाज की एनजीओज हो, धार्मिक संस्थाएं हो, सबसे मेरा आह्वान है कि इस इंद्रधनुष को पूरे देश में जिन जिलों में हम पीछे रह गए हैं उनका चयन किया गया है, उन जिलों पर आप शक्ति लगाए, समय लगाए और गरीब मां के बच्चों को सुरक्षा की गारंटी देने का एक महत्वपूर्ण काम आप अपने हाथ से करें, यही मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। मैं वडनगर जनों से आग्रह करता हूं,
इस टीकाकरण में, इस इंद्रधनुष में जिन जिलों का समावेश है, गुजरात के 3 जिले हैं, लेकिन मैं चाहता हूं जहां भी हम मदद कर सके हमने करनी चाहिए। हमारे डॉक्टर वसंत भाई परीख, हमारे डॉक्टर द्वारकादास जोशी बिहार तक जाया करते थे नेत्रदान के लिए, नेत्र के नेत्र यज्ञ के लिए। ये इस धरती की विशेषता रही है, ये धरती के लोग उस काम को आगे बढ़ाएंगे, ये मैं विश्वास करता हूं। आप हैरान होंगे हमारा देश कैसे चला है। जब अटल जी की सरकार थी 15, 17, 18 साल पहले, तब जाकर के हमारे देश में हेल्थ पॉलिसी बनी थी, आरोग्य की पॉलिसी बनी थी। उसके बाद 10 साल तक ऐसी सरकार आई जिसको विकास के प्रति नफरत थी, लोगों की सुखाकारी के प्रति संवेदनशीलता नहीं थी, और उसी का परिणाम हुआ कि हेल्थ पॉलिसी 15 साल के बाद, हमारी सरकार आने के बाद अब हेल्थ पॉलिसी नई लाई गई है, ताकि नए सिरे से हम इस बात को कैसे करें। हमारे देश में मध्यम वर्ग का परिवार अगर हृदय रोग का ऑपरेशन करवाना चाहता था और स्टेंट लगवाना होता था तो 1.5 लाख 2-2 लाख रुपया खर्च होता था। मध्यम वर्गीय परिवार कहां से पैसा लाएगा। हम सरकार में आए, मैंने कहा जरा हिसाब लगाओ भाई, ये स्टैंड इतना महंगा क्यों है। खोजबीन चालू की, कीमत क्या होती है, टैक्सेस क्या लगते हैं, सारा निकाला। फिर उन उत्पादकों को बुलाया, इंपोर्ट करने वालों को बुलाया, हमने कहा भाई ये गरीब को लूट करके इतने मुनाफा कमाओगे क्या, क्या हृदय रोग की बीमारी को ये सुनकर के हृदय रोग हो जाता है, मध्यम वर्ग का आदमी इस बीमारी से कैसे बचेगा। सरकार ने बातचीत की, लगातार बातचीत की, और मुझे खुशी है कि जो स्टैंड की कीमत 1.5-2 लाख रुपया होती थी, वो आज 30%, 40% में गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को मिलना शुरू हो। दवाइयां महंगी हो रही थी, भारत सरकार ने जन औषधि केंद्र खोले, जेनरिक दवाइयां बेचने का अभियान अस्पतालों में शुरू किया, और जो दवाई 100 रुपये में मिलती थी, आज वो 18-20 रुपये में गरीब को दवाई मिल जाए, मध्यम वर्ग को दवाई मिल जाए, और दवाई उसी क्वालिटी की जैसे पहली थी, इसकी पूरी चिंता करने का काम, ताकि गरीब को आरोग्य की सुविधाएं मिले, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। मैंने देश के डॉक्टरों से आह्वान किया था कि आप बहुत कमाते हैं, अच्छी सेवा भी करते हैं, सामाजिक जिम्मेवारी भी निभाते हैं, लेकिन आप हैं जिनको मैं काम और भी बता सकता हूं। और मुझे खुशी है कि देश के लाखों डॉक्टरों ने मेरी उस बात को माना और अपील को स्वीकार किया था। मैंने उन लाखों डॉक्टरों से प्रार्थना की थी, अगर आप गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, आप महीने की 9 तारीख अपने दवाखाने के बाहर बोर्ड लगा दीजिए कि कोई भी गरीब प्रसूता माता आएगी तो हर महीने की 9 तारीख गरीब प्रसूता मां की मेडिकल चेकअप करने का काम, दवाई देने का काम मुफ्त करेंगे। और मुझे खुशी है कि पिछले 1 साल में करीब 80-85 लाख ऐसी गरीब माताओं को डॉक्टरों ने मुफ्त में दवाई दी और उनकी जिंदगी में एक नया विश्वास पैदा करने का काम किया। मैं आज भी सभी डॉक्टरों से आह्वान करता हूं, आगे आइए, साल में 12 दिन मुफ्त में काम करना मुश्किल काम नहीं है, और वो भी सिर्फ गरीब प्रसूता मां अगर आपके दरवाजे पर आती है, हर महीने की 9 तारीख बिना पैसे लिए उस मां की सारवार कीजिए, उसका मार्गदर्शन कीजिए, बड़ी अस्पताल में जाने की जरूरत है उसको बताइए, ताकि माता मृत्यु न हो जाए, शिशु मृत्यु न हो जाए, गर्भवती मां की मृत्यु हमारे लिए चिंता का विषय है। पिछले 3 साल से जो हमने अभियान चलाया है, उसका परिणाम यह है कि दुनिया में माता मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में जो कमी आ रही है, उसकी तुलना में
भारत में तेज गति से कमी आ रही है, यह शुभ संकेत है, लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है और उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, जब हम स्वास्थ्य की चिंता करते हैं तो यह भी उतना ही जरूरी है। स्वास्थ्य की गारंटी डॉक्टरों के आधार पर नहीं है, स्वास्थ्य की गारंटी डॉक्टरों के आधार पर नहीं है, स्वास्थ्य की गारंटी सिर्फ आपके अच्छे खान पर आधारित नहीं है, स्वास्थ्य की गारंटी सफाई पर आधारित होती है। अगर स्वच्छता है, गंदगी नहीं है, तो बीमारी आने की हिम्मत नहीं करती है। और इसलिए मैंने देश में एक स्वच्छता का अभियान चलाया है। मैं गुजरात सरकार का अभिनंदन करता हूं कि गुजरात सरकार ने खुले में शौच से मुक्ति का एक आंदोलन चलाया और आज पूरा गुजरात खुले में शौच से मुक्त हुआ है, लेकिन इसको और सतर्क रहना पड़ेगा। ये पुरानी आदत वापस लौटने में देर नहीं लगती है। अगर प्रयत्नपूर्वक हम कोशिश करेंगे तो इस बीमारी से हम अपने आप को बचा सकते हैं। और अभी यूनिसेफ का कहना है कि अगर स्वच्छता है तो एक गरीब का सालाना 50,000 रुपया बीमारी के पीछे खर्च से बच जाता है। गरीब के घर में अगर एक बीमार हो जाता है, पूरा घर का कारोबार बंद हो जाता है, अस्पताल के चक्कर काटने पड़ते हैं, नए खर्चे करने पड़ते हैं, आय बंद हो जाती है। अगर गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा देने की पहली गारंटी है, हम सफाई पर बल दें, स्वच्छता पर बल दें। और इसलिए भारत में स्वच्छता का एक अभियान हम लोग चला रहे हैं और उसका भी परिणाम अच्छे तरीके से आने वाले दिनों में लोगों को मिल रहा है। आज मुझे वडनगर में मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण का भी अवसर मिला। हमारे देश में पहले की सरकारों के पता नहीं नियम ऐसे बने थे कि बहुत ही कम विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में जा सकते थे। हमने बीड़ा उठाया है कि हमारे कार्यकाल में दो या तीन लोकसभा या चार लोकसभा के बीच में एक मेडिकल कॉलेज पूरे देश में निर्माण करना। उन मेडिकल कॉलेज के लिए प्रोफेसर चाहिए और इस साल हमने पोस्ट ग्रेजुएशन में 6,000 सीटों का इजाफा कर दिया। कई लोग इसकी आलोचना करते हैं, लेकिन मेरे देश में अच्छे डॉक्टर बनाने हैं तो अच्छे प्रोफेसरों की भी जरूरत पड़ेगी। और पीजी के स्टूडेंट के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट के लिए हमने 6,000 नई सीटों का ऐलान कर दिया। और मुझे विश्वास है आज जो डॉक्टरों की कमी महसूस कर रहे हैं, उस कमी को पूरा करने का काम इसके द्वारा होगा। आज मैं उन नौजवानों से मिला जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, ऐसे ही मुझे उनको गप्पी गोष्ठी करने का अवसर मिला। बड़े प्रसन्न नजर आए, बड़े खुश नजर आए और कैंपस भी बहुत बढ़िया बना है। इस सारे काम को पूरा करने के लिए मैं राज्य सरकार को बहुत हृदय से बधाई देता हूं और भारत सरकार ने जो मदद करने के लिए ठानी है वो मदद निरंतर मिलती रहेगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। मैं मुख्यमंत्री जी इस गांव के बेटे के नाते भी एक आभार व्यक्त करना चाहता हूं और इस गांव के बेटे के नाते कर रहा हूं कि उन्होंने जो एपीएमसी का फिर से शुरू करने का निर्णय किया है, मैं उनका स्वागत करता हूं, उनको बधाई देता हूं। आज यहां पर एक आईएम टैग की टैबलेट देने का कार्यक्रम हुआ। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन होने वाला है। जब तक परफेक्ट डाटा नहीं होता है, प्रॉपर पॉलिसी नहीं बनती। जब तक परफेक्ट डाटा नहीं है, प्रॉपर पॉलिसी नहीं है, तो इंप्लीमेंटेशन की परफेक्ट स्ट्रेटेजी नहीं बनती है। कहां धन लगाना चाहिए, कहां नहीं लगाना चाहिए, उसका आता पता नहीं रहता है। जो ये टैबलेट आज इन हेल्थ वर्करों को दी गई है, उसके कारण डेली हर गांव में
जो जानकारी होगी तुरंत भर दी जाएगी और सीधी हेडक्वार्टर पे वो तुरंत पहुंचेगी। लेकिन ये जो योजना है उसका नाम जरा बड़ा कठिन है, आईएम टैग करके कुछ तो भी रखा है, तो मैंने बहुत सिंपल कर दिया है और मुझे लगता है मैं नहीं करता तो भी हमारे राज्य वाले कर ही देते हैं। अब इसको टेक्नोलॉजी कोई नहीं बोलेगा, मुझे लगता है गांव में यही बोलेंगे वो तुम्हारा टेको क्या छे, तारो टेको क्या छे। तो आ टेको बधाज हेल्थ वर्करों ना हाथ में आयो छे, ये तमारा आरोग्य ने टेको करवानु काम आ आईएम टेको द्वारा थवानु छे। आ आईएम टेको तमारा आरोग्य ने मोटो टेको करे एवं एक मोटू काम आना द्वारा थवानु छे। अने एना द्वारा मारी सामे घणा बधा सूचनो पण आया छे अने ए तो खरू थाय। कोई कहे कि भाई अमारू वडनगर रेलवे नी पेली बाजू बनी गयू छे, ए बाजू वधारे विकास थई रह्यो छे, पण बे बाजु जवू होय तो तकलीफ पड़े छे। हवे तकलीफ न पड़े एवं कंई करी दईशुं। शर्मिष्ठा तळाव ए वडनगरनो आत्मा छे अने शर्मिष्ठा तळावनुं सुशोभन एनी काळजी आ वडनगरने टूरिस्टो माटेनुं मोटुं केन्द्र बनावी शके। एमां एक सूचन आव्युं छे कि जो हेंगिंग ब्रिज बने तो वाह चार चांद लागी जाए। बनावो छे ना बनावो छे, पण साचवशो जरा जवाब तो आपो यार। आ हेंगिंग ब्रिज बने तो तमने गमशे, आ मेडिकल कॉलेज बनी तो गमी, आ सरस नवू बस स्टेशन बन्यू तो गम्यू, आ नवू सरस रेलवे स्टेशन बन्यू तो गम्यू, आ जे बधुं थयुं एने विकास कहेवाय, आने विकास कहेवाय, आने विकास कहेवाय। तमने विकास गमे छे, विकास जोईए छे, विकास जरूरी छे, तो तमारा शर्मिष्ठा तळावनुं विकास कंई करीशुं। हूँ फरी एक बार सौ ग्राम वडनगर नगरजनों खूब खूब आभार मानु छु, कारण मैं यात्रा वडनगर थी शुरू करी हाटकेश्वर ने आशीर्वाद दीने करता करता हवे भोले बाबा नी नगरी काशी पहुंची गयो छु। आ पण भोले बाबा नी नगरी छे, ए पण भोले बाबा नी नगरी छे, अहींया भी शिवजी विराजमान छे, त्यां पण शिवजी विराजमान छे, अने आ भोला बाबा ना आशीर्वाद अने भोले बाबा ना आशीर्वाद नी एक ताकत होय छे, अने कदाच ए ताकत ज आ गामनी मने मळेली सौथी मोटी शक्ति छे। भोले बाबानी ताकत छे झेर पीवानी, भोले बाबानी ताकत छे झेर पचावानी। 2001 थी आ भोले बाबाना आशीर्वाद थी झेर पचावानी ताकत मळी छे, एना कारणे भल भला झेर ओकनारा होय तो पण एने पचावीने मात्र ने मात्र मातृभूमिना कल्याण माटे जीवन लगावतो रह्यो छे, लगावतो रह्यो छे। तो हाटकेश्वर दादाने फिर चरणोमां प्रणाम करू छू, आप सौ नगरवासीओने प्रणाम करू छू, अने आपे अद्भुत प्रेम आप्यो, अपार प्रेम आप्यो, ए बदल वडनगरनो उत्तर गुजरातनो समय समग्र गुजरातनो अंतःकरणपूर्वक आभार मानीने आप सौने लाख लाख वंदन करीने मारी वाणीने विराम आपू छू। मारी साथे पूरी ताकतथी बोलो जय हाटकेश, जय हाटकेश, जय हाटकेश, जय हाटकेश।
ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માનનીય વડાપ્રધાન શ્રીનો આ અનન્ય પ્રેમ અને માર્ગદર્શન બદલ ખૂબ ખૂબ અપને ગાંવ વડનગર મે પ્રધાનમંત્રી મોદી દે રહે થે ભાષણ સ્વાસ્થ્ય અચ્છે સ્વાસ્થ્ય ઓર સ્વચ્છતા પર ઉનકા પૂરા ફોકસ થા ઉનકે પૂરે ભાષણ का सार अगर निकाला जाए तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि स्वच्छता के बिना अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने साफ तौर पर आह्वान किया कि स्वच्छता में सभी आगे बढ़ चढ़ कर आएं। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा आज जितना भी स्वास्थ्य को लेकर के कार्यक्रम लोकार्पित किया गया है वो तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जाएगा। स्वच्छता प्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है और स्वास्थ्य प्रत्यक्ष रूप से स्वच्छता से जुड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि गुजरात आज खुले में शौच करने से मुक्त राज्य बन चुका है। उन्होंने कहा लेकिन गंदी और पुरानी आदतें दोबारा वापस आ जाती हैं, इस चीज का ख्याल रखना होगा कि ये स्वच्छता को लेकर के जो हम कटिबद्ध हुए हैं इस पर इस रास्ते पर हम आगे बढ़ते रहें और इस रास्ते को हम न छोड़ें। प्रधानमंत्री मोदी वडनगर में अपने संबोधन में बता रहे थे कि किस तरीके से स्वास्थ्य को लेकर के उनकी सरकार वचनबद्ध है और उन्होंने कहा कि अच्छे स्वास्थ्य और स्वच्छता को हम प्राथमिकता पर रखे हुए हैं। इस वक्त भी मंच पर मौजूद हैं, तमाम जो जन सैलाब है उसका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब यहां से वो रवाना होंगे भरूच के लिए। ये है ABP News, आपको रखे आगे।